बॉलीवुड के दिलचस्प खबरों के लिए इस बेल को प्रेस कीजिए ताकि हम आप तक खबरें पहुंचा सकें। बॉलीवुड में जगह पाना है बहुत मुश्किल और जगह पाने के बाद उधर टिक पाना है उससे भी ज्यादा मुश्किल। कई एक्ट्रेसेस ने ये स्थान पाने के बाद इसे कुर्बान कर दिया अपना घर संभालने के लिए, या तो उनकी एक्टिंग या खूबसूरती धीरे धीरे फीकी पड़ गई। आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिन्हें बॉलीवुड में ये सुनहरा मौका तो मिला लेकिन धीरे धीरे वो इंडस्ट्री से गायब हो गई। अमीषा पटेल। ऋतिक रोशन के साथ अपना डेब्यू करने वाली अमीषा पटेल ने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब कोई उनके साथ काम नहीं करना चाहेगा। कहो ना प्यार है कि बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने के बाद अमीषा के पास मूवीज को साइन करने की लाइन लग गई थी, लेकिन समय चलते उनके बिगड़ते बर्ताव के कारण और पब्लिक के पीछे दारू पीकर तमाशा करने के कारण सभी ने उनसे दूरी सी बना ली। और अगर आप अपने काम से खिलवाड़ करेंगे तो शायद रिटर्न में किस्मत भी आपसे खेल ही लेती है, और वो ही हुआ अमीषा के साथ। शमिता शेट्टी। शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन शमिता शेट्टी को अपने करियर की पहली मूवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से एक यशराज फिल्म्स के साथ मिली, और शमिता ने दो गानों में भी अपना स्पेशल अपीयरेंस किया था जिसके लिए उनकी काफी तारीफ की गई। देखने में सारा कुछ उनके ही फेवर में था, लेकिन लगता है किस्मत नहीं जाना चाहती थी शमिता के रास्ते। बाद में शमिता ने अपनी किस्मत बिग बॉस के घर में जाकर आजमाने की कोशिश की अपनी बड़ी बहन शिल्पा के नक्शे कदम पे, लेकिन इधर भी शमिता को कुछ फायदा नहीं हुआ। लगता है शमिता की जिंदगी में शिल्पा की बहन होना ही उनका सबसे बड़ा मुकाम होगा जो उन्होंने हासिल किया है। हंसिका मोटवानी। काफी छोटी उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली हंसिका मोटवानी ने 2003 में कोई मिल गया में भी ऋतिक के साथ स्क्रीन शेयर किया था। ऋतिक के साथ एक बच्चे के किरदार से हिमेश रेशमिया के प्यार का किरदार निभाने तक इस एक्ट्रेस का बदलाव काफी फुर्ती से हुआ, लेकिन हंसिका फिर टॉलीवुड चली गई और पीछे एक प्यारे से बच्चे की एक्टिंग की यादें छोड़ गईं। किम शर्मा। मोहब्बतें में बबली के किरदार से मशहूर किम शर्मा ने अपने एक्टिंग करियर में अपने लिए छोटे मोटे किरदार भर रखे थे मूवीज जैसे तुमसे अच्छा कौन है और टॉम डिक एंड हैरी में, लेकिन ये सब किम को नहीं रख पाया इंडस्ट्री में काफी समय तक। जब उनका इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ रिश्ता खत्म हुआ, धीरे धीरे वो बॉलीवुड से गायब होने लगी, और उसके बाद वो अपने बिजनेसमैन पति अली पंचानी के साथ केन्या में रहने चली गई। मनीषा लांबा। अपनी डेब्यू मूवी यहाँ के बाद मनीषा लांबा ने थोड़ी और मूवीज जैसे हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड और बचना है हसीनों भी की, मगर ये करने के बाद मनीषा बॉलीवुड से गायब होने लगी। मनीषा को आखिरी बार बिग बॉस के 8वें सीजन में देखा गया था, जिसके बाद उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड रायन थैम से शादी कर ली, जहाँ मनीषा एक बीवी का फर्ज निभाते हुए काफी खुश नजर आती है। वहीं उन्हें आजकल पंजाबी मूवीज में देखा जा सकता है। बॉलीवुड में आना सभी चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर की मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत सभी में नहीं होती। यहाँ टिके रहने के लिए जिगर चाहिए, और सबसे बेहतरीन सिपाही ही ऊपर तक पहुँच कर टिक सकता है।